सोयम्मी सोयम्मी डिलीशियस। अरार की दाल, दाल मूंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है, डिलीशियस लग रही है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू बैक राना शेफ इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट, आपका मेज़बान खिदमत में हाजिर है। और आज हम बनाएंगे एक सिंपल दाल जो है हर घरों में पसंद की जाती है बड़े शौक़ से। तो आज हम बनाएंगे हरार की दाल। हरार की दाल जो है ये बड़े लोग पसंद करते हैं, बॉयल राइस के साथ, उस चपाती के साथ आप खा सकते हैं, ब्राउन राइस के साथ खा सकते हैं। हरार को दाल मूंग दाल भी कहते हैं। तो ये सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं, आम घरों में ये तैयार होती हुई है। इसके लिए मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स, ये मेरे पास गार्लिक पड़ा है, ऑनियन, टमाटर, जिंजर, फ्रेश ग्रीन चिली, और ये है हरार की दाल। ठीक हो गया। अब हमने क्या, हम अपनी कटिंग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ऑनियन। ऑनियन की हमने कटिंग कर दी है बारीक। उसके बाद हमें चाहिए जिंजर। जिंजर जो है ना हमने इतनी ले लेनी है, ठीक है। साइडें इसकी हमने उतार देनी है, ये। इसकी हमने कटिंग करनी है ऐसे जिंजर। ओके, इसकी जिंजर कटिंग की है। और गार्निश पे भी ऊपर जिंजर जो है ये, इसके फ़ायदे बहुत हैं, गार्लिक के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हो गया। अब हमारे पास ये कढ़ाई वाला जो, इसकी ऐसे कटिंग होती है ओनियन। उसके बाद ये हमारा टमाटर होगा। अब हमने इसको ले जाना है अपने पैन के अंदर। ये हमारी कटिंग है, तो ग्रीन चिल्ली भी, चलो मैं साथ इसकी भी कटिंग कर देता हूँ मैं। तो हमें इसमें सिर्फ दो ग्रीन चिल्लीज डालेंगे हम। ठीक हो गया। टमाटर हम फिर बाद में इसमें डाल देते हैं। ये मेरे पास पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया कुकिंग ऑयल। अब इसमें जाएगा ये मेरे पास जो आपने देखा पड़ा हुआ है गार्लिक। ओनियन के साथ हम थोड़ा सा जिंजर डालेंगे, बगैर जिंजर ये चीज़ें बाद में डलेंगी। अब हम इसको पकाते हैं इससे, ठीक है। थोड़ी देर में इसका कलर ब्राउन हो जाना है। माशाल्लाह, ये इसका कलर ब्राउन होने लग गया है। ये तो बिल्कुल सही हो गई है, नरम हो गई है, सॉफ्ट दाल। अब हम इसमें ये, हाँ हाँ, अब इसमें हमने ये दाल इसमें डाल ली है कढ़ाई से। अब हम इस दाल को मिक्स करेंगे ग्रेवी के अंदर। माशाल्लाह, क्या लुक, खूबसूरती लग रही है, कलर भी दाल का अच्छा आ गया है। लुक्स यम्मी। अब इसमें थोड़ी सी हम ग्रीन चिल्ली और ये डालेंगे जिंजर। माशाल्लाह, ये देखें। आज इसकी दाल भी तेज़ करेंगे और इसकी इस तरह फ्राई करेंगे। अब दाल जो है फ्राई हो रही है, इसका कलर भी प्यारा हो गया है। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत लुक आई है, है ना मज़े की दाल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दाल की बनाई बिल्कुल हो चुकी है।
अब हम इसको डालते हैं बोल के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलर आया है, दाल भी प्यारी प्यारी, मज़े की। ये देखें दाल खूबसूरत आई है ना। अब हम इस पे करेंगे गार्निश। ये देखें जिंजर डाल दिया, अदरक, हाँ ये बात सही है, चीज़ें रेडी सारी आइंदा करेंगे। अब इसमें ऊपर ये ग्रीन चिल्ली और जिंजर आ गई है, माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुक आई है। यम्मी डिलीशियस हरार की दाल, दाल मूंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है, डिलीशियस लग रही है। अब मैं आपको ये थोड़ी खाकर दिखाता हूँ, अभी ये मैं खाकर दिखाता हूँ। सो यम्मी डिलीशियस फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई दिस रेसिपी, अगर